चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। शासन तरफ से मिलिटेंट हवाल कत करान वन आमुत जेलन मज बंद नई कह मिलिटेंट तो नई कह कन जंग वोल रिहा करना। तमो वो पाकिस्तान सी कुन तूरत मज कत बात करने कत बात ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवान सत कर। अमित शाह वो जम्मू कश्मीर मज आव बीजेपी तरफ अमन कायम कर तो मिलिटेंसी हिंद मूल ताम तीन खत्म करना। तमो वो पहाड़ियन तो बाकी तबक रिजर्वेशन सत हे कह छेड़छाड़ कर। तमो लूकन पे जोर दिम ग नौशहरा मज रविंदर रैना कामयाब कर समाज के प्रेथ तबक तमीर और तरक्की यकीनी बनाने यी। ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो फारूक साहब, राहुल बाबा हम पाकिस्तान पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौशेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में रजौरी पूंछ डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। पूछना चाहता हूं फारूक साहब को, 30 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चला, 30 साल में 3,000 दिन जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए, उस वक्त आप कहां थे? फारूक साहब बताइए, ये 3,000 दिन कहां थे आप? इसका हिसाब दीजिए। वो नहीं देते हिसाब, मैं देते दे देता हूं। ये 3,000 दिन लंदन में आराम से छुट्टियां मना रहे थे, कश्मीर जल रहा था। भाइयों बहनों, इनको नेतृत्व देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मोदी साहब आए, आतंकवादियों को चून चून कर हमने साफ कर दिया, साफ।